दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ड्राइव के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लोड्स क्या होते हैं, वेरियस, और हम मैकेनिकल लोड की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सबसे पहले बात ये उठती है कि हमें टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत क्यों है। हमें टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो लोड है, मैकेनिकल लोड है, वो किस तरीके का है, उसकी करेक्टरिस्टिक डिफरेंट स्पीड्स पे उसकी टॉर्क क्या आ रही है। जैसे आपने कोई मशीनरी लगाई है या कोई फैक्ट्री लगाई है, तो उस पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं स्पीड को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो मोटर पे किस तरीके का टॉर्क अप्लाई होता है, क्योंकि उसी टॉर्क के हिसाब से हमें मोटर की सप्लाई को वेरी करना पड़ेगा ताकि हम एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टॉर्क सिस्टम को ईजिली कैरिड आउट कर सके। अदरवाइज हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर भी दबाव बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मैकेनिकल लोड की स्टडी करते हैं। मैकेनिकल लोड को स्टडी करने के लिए हम दो पैरामीटर्स पे इनकी स्टडी करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि जो मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का आउटपुट होता है, उससे मैच करके हम देखते हैं कि अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर लोड के मोटर की कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर लोड की कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर रही होती है, तो हम फिर उस मोटर का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये उसके एडवांटेजेस हैं। हम लेटर ऑन स्टेज में देखेंगे कि कौन से मोटर इसके लिए यूज की जाएगी और उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स। टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोड, लोड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लोड की टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कई डिपेंडिंग अपन द दुनिया में बहुत सारे तरीके के लोड हैं। एक फिक्स पैटर्न को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम इनको चार मेजॉरिटी ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोड होते हैं। लोड जैसे लोड के फंक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ जनरल जो कि लोड के फंक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं, जनरल लोड के करेक्टरिस्टिक हम उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कैटेगरी आता है टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोड में, पहला कैटेगरी होता है हमारा कांस्टेंट टॉर्क की कैटेगरी आती है। इसमें क्या होता है, इसको एक और चीज़ बोलते हैं, टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, इसको हम ये बोलते हैं। इसका जो कर्व बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि अपने यूनिवर्सिटीज का एग्जाम दे रहे होंगे, तो अधिकतर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछ लिया जाता है। इस एक्सिस पे हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है जो कि ओमेगा है, एंगुलर स्पीड, और इस एक्सिस पे हमारा टॉर्क होता है। तो इस तरह के कॉन्स्टेंट टॉर्क के केस में जो हमारा इनके बीच में ग्राफ बनता है ऐसा बनता है, और जैसा कि समझा जा सकता है कि यहाँ पर टॉर्क जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन अलग अलग स्पीड, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पीड भले ही बदल रही है अलग अलग एक्सेस पे, लेकिन हमारा टॉर्क जो है वो कांस्टेंट है। अब ये बात होती है कि इस तरह के लोड्स के एग्जांपल क्या हैं। तो इस तरह के लोड के एग्जांपल, जो सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा, वो कन्वेयर्स होते हैं। जो कन्वेयर्स आप रेलवे स्टेशंस, मॉल्स में और बहुत जगह देख सकते हो। और दूसरा होता है हमारा एक स्क्रू कंप्रेसर होता है, जो कि बड़ी बड़ी पावर प्लांट फैक्ट्रीज या फैक्ट्रीज में यूज की जाती है। इन दोनों ही केसेस में हमें इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। दूसरा हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो करेक्टरिस्टिक्स है लीनियरली राइजिंग। इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करें, तो ये हमारा टॉर्क हो गया टाउ, और ये हमारा ओमेगा हो गया। इनके बीच में एक लीनियर रिलेशन मिलता है, मीन जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता है वैसे वैसे हमारे टॉर्क में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। अब इस तरह के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इस तरह के एग्जांपल्स हमारा होता है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर विथ
कांस्टेंट ओमिक लोड। इसका मतलब क्या होता है कि जो इस तरह के लोड का एक एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमने बताया कि हम मेजॉरिटी चार कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया कांस्टेंट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में लीनियरली राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें ओमेगा और टॉर्क के बीच में एक स्ट्रेट लाइन का कर्व प्राप्त होता है, जैसा कि आप जानते होंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कि ये y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी के तरीके का कर्व बनता है। तो इसका एग्जांपल की मैं बात कर रहा था, तो इसका एग्जांपल होता है, और भी एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं लेकिन मैं जो एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ वो होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो कि कनेक्ट हो एक कॉन्स्टेंट ओमिक लोड से। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे ये इस तरह का रिलेशनशिप आता है। तो इसमें हम तीन इक्वेशन का सहारा लेंगे। पहला इक्वेशन जो होता है पी इजिकल्स टू टी ओमेगा, इसको मैं पहला इक्वेशन का नाम देता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा पावर होता है मैकेनिकल में, ये पी एम बोलूँ मैं मैकेनिकल बोलूँ, तो टॉर्क इनटू स्पीड इसके बराबर होता है। दूसरा मैं पी इलेक्ट्रिकल की अगर बात करता हूँ तो ये वी इंटू आई, मैं कॉस जीरो मैं कॉस फाई को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कांस्टेंट ओमिक लोड है तो कॉस फाई की वैल्यू वन हो जाएगी, क्योंकि हमारे करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। तो ये हमें इसीलिए पी इलेक्ट्रिकल को मैं वी आई ले रहा हूँ। एक और रिलेशनशिप जो हमें निकल के आता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेटर में वोल्टेज जो होता है वो के इंटू ओमेगा, वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर स्पीड के विद सम कांस्टेंट के। हम इस कांस्टेंट को भी देख सकते हैं, तो V इजकल्स टू के इंटू ओमेगा। अब ये तीन इक्वेशन, अब यहाँ से हम अगर करंट की वैल्यू को निकालना चाहें, ये मैं तीसरा इक्वेशन अगर ना, करंट कितना हो जाएगा तो करंट की वैल्यू हो जाएगी के ओमेगा बाई आर। जैसा कि जानते हैं करंट इजकल्स टू वी बाई आर, हमने हमारे साथ क्योंकि कांस्टेंट ओमिक लोड कनेक्टेड है तो करंट इजकल्स टू वी बाई आर। अब तीसरे और चौथे इक्वेशन को अगर मैं दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो तीसरे और चौथे इक्वेशन को अगर मैं दूसरे इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरा इक्वेशन हो जाता है पी इलेक्ट्रिकल का, पी इलेक्ट्रिकल का मेरा इक्वेशन हो जाता है के ओमेगा इंटू के ओमेगा बाई आर, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। और इसके बाद अगर मैं एक आइडियल सिस्टम का आइडियल अगर मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है आइडियल है, उसमें किसी भी तरह की लॉसेस नहीं हो रही है, ऐसा लाजमी है कि लॉसेस होंगे, बहुत सारे तरीके के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी लॉसेस होंगे और मैकेनिकल सिस्टम में भी लॉसेस होगी, लेकिन अगर हम माने कोई किसी भी तरह का एक सिस्टम हमारा पूरी तरीके से आइडियल है, तो हमारा जो पी इलेक्ट्रिकल होगा वो पी मैकेनिकल के बराबर होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि तो पहले इक्वेशन और इस पांचवें इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं कि टी इंटू ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉर्क इंटू ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई आर। यहाँ से ओमेगा की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आपको इक्वेशन जो मिलता है टी इजिकल्स टू के स्क्वायर ओमेगा बाई आर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि के स्क्वायर तो एक कांस्टेंट ही होगा और आर भी एक कांस्टेंट है इस केस में, जैसा कि हमने बताया कि कांस्टेंट ओमिक लोड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस केस में आपका टॉर्क इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया जिसमें हमने डिस्कस किया कि लीनियरली राइजिंग का केस है। तीसरा हमारा जो केस हो उसमें हम नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तीसरा केस हमारा जो है नॉन लीनियरली इंक्रीजिंग, नॉन लीनियरली इंक्रीजिंग। ये केस जो होता है इसमें हमारे ओमेगा और टॉर्क के बीच में एक पैराबोलिक तरीके का रिलेशन देखने को मिलता है। इस केस में हमारा जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा स्क्वायर के। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो होता है हमारा फैन लोड होता है। इस केस की हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम इंडक्शन मोटर के इलेक्ट्रिक ड्राइव का स्टडी करेंगे कि इंडक्शन मोटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। सो हमारा जो लास्ट कैटेगरी है जो मैं चौथा कैटेगरी है नॉन लीनियरली डिक्रीजिंग। इस केस में क्या होता है, जो हमारा टॉर्क होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है।
ऐसे केसेस की भी हम स्टडी फर्दर करेंगे कि इन केसेस के लिए कौन से मोटर को हम यूज करेंगे, कौन सा मोटर हमारे लिए उपयुक्त रहेगा इन सब केसेस के लिए। ये आपका ओमेगा है और ये आपका टाऊ है। फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स टॉर्क स्पीड, जनरल टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको, जो कि लोड के। अब हमें इसी को स्टडी करना है कि अगर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर लोड की ये है तो मोटर की क्या होनी चाहिए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक लोड की है तो किस तरह मोटर कौन सा चुनना है, कौन से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का मोटर चुनना है। और हम ये भी देखेंगे अगर थोड़ी सी गलती होती है मोटर के चुनने में तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज हो सकते हैं। इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा कंबाइंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, कंबाइंड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, कंबाइंड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। इस केस में क्या होता है कि हम एक साइड पे मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। सपोज कर लीजिए मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है और दूसरी साइड पे इसलिए क्योंकि अगर ये पॉजिटिव, इस एक्सिस को आप पॉजिटिव मान रहे हैं टॉर्क की, तो ये एक्सिस आपकी नेगेटिव होगी। और हम जानते हैं कि जो हमारा लोड टॉर्क, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो हमारा लोड टॉर्क और मोटर के टॉर्क हमेशा अपोजिट होते हैं। ऐसे भी जनरल केस में आप देखें, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लोड टॉर्क क्या होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब हम डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, जो कि हमारा अगला लेक्चर है, जब हम डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन होते हैं। इस केस में अगर हम ये देखें कि अगर सपोज कर लें कि ये मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये लोड की, क्योंकि मैकेनिकल लोड है, उसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम ये मान लें कि ये लोड की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऐसा कोई फेज होगा जहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये बराबर हालांकि नहीं है मेरे केस में, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि टाउ एम इजिकल्स टू टाउ एल। ये वो केस होगा जब आपका मोटर की टॉर्क और लोड का टॉर्क, जो टॉर्क डिमांडेड है एट ए सर्टेन स्पीड, इस स्पीड का मैं नाम लूँगा, अगर इस स्पीड पर जो टॉर्क डिमांडेड है अगर दोनों का सेम है तब तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर स्पीड में जरा सा ऊपर या नीचे है इस स्पीड के अलावा, तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि लोड टॉर्क जो है वो कम हो जा रहा है और मोटर की जो ड्राइविंग टॉर्क है वो बढ़ जा रहा है। इस डिस्टेंस को आप देखिए, अगर इस ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इस डिस्टेंस को आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो है छोटा हो जा रहा है और ये डिस्टेंस बड़ा हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या, आपकी इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे आपका लोड टॉर्क है, तो इसका मतलब क्या, आपका लोड टॉर्क कम हो जा रहा है इस स्पीड के लिए, आपका लोड टॉर्क कम हो जा रहा है और मोटर की टॉर्क बढ़ जा रही है। ऐसे केस में सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो जाता है और सिस्टम एक्सेलरेट कर सकता है। अगर हमारे पास प्रॉपर मेजर्स ना हो तो सिस्टम में एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, प्रॉपर मेजर्स अगर इसको कंट्रोल करने के ना हो। इसके अपोजिट अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा लोड टॉर्क है, लोड टॉर्क बढ़ रहा है और जो हमारे मोटर की टॉर्क है, जो मोटर जो हमें टॉर्क दे रहा है इस स्पीड पे, हम स्पीड में हायर जाते हैं अगर इसको क्रिटिकल स्पीड इसके ऊपर जाते हैं, तो जो हमारी मोटर का जो टॉर्क है वो डिक्रीज हो रहा है और ये जो मोटर का टॉर्क डिक्रीज हो रहा है और लोड का टॉर्क बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में हमारा जो टाउ एल हो गया वो ग्रेटर देन हो गया टाउ एम। तो इसके वजह से क्या होगा, ये सिस्टम हाल्ट पे आ जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, अब हमें करना क्या होगा कि हमें इस कैरेक्टरिस्टिक को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक ड्राइव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस कैरेक्टरिस्टिक को लोड के टॉर्क के हिसाब से वेरिएबल बना सकें, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक ड्राइव का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर कमेंट में